जैसा कि आप लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 से पहले स्वाधीनता दिवस से पहले अगर नामकरण प्रस्ताव नहीं बनता है या सरकार निर्णय नहीं लेती है तो 16 तारीख को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य रोकेंगे। अभी हाल ही में इस आंदोलन के बीच में ही उसका भूमि पूजन दोबारा हुआ है, अदानी ने भूमि पूजन किया। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या वाकई अब 16 को आंदोलन का ही रास्ता आखिरी बचा हुआ है? सरकार ने हमें मजबूर किया है अभी कि जाके अभी आप एयरपोर्ट बंद करो, एयरपोर्ट का काम बंद करो। हमें खुशी नहीं है, हमें शांति चाहिए और हमारा हक चाहिए, जो हमें संविधान ने मूलभूत हक फंडामेंटल राइट्स दे चुका है स्थानिक अस्तित्व की पहचान जिंदा रखने के लिए। जब सरकार की जब इच्छा है कि आप जाके काम बंद करो तो ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। और सरकार को अभी जितना गोली है ना, वो गोली उनको मारना है ना, भी मार लो, अभी हम तैयार है उसके लिए। पहले 5 ले लिया, अभी 50 चाहिए तो 50 खड़ा रहेंगे अभी साथ में। आप बोले जो गोले है ना वो भर के रखो आप गोले, और तभी हमें पता चलेगा कि ये अंग्रेजों ने गोली मारा। हम समझ चुके थे कि वो बाहर के थे, हमारा आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, स्वराज्य नहीं था, लोकशाही भी नहीं थी, लेकिन हमारे भी लोकशाही में, हमारे स्वराज्य में जब सरकार की इच्छा है कि वहाँ खून की नदी बहे, वहाँ शहीद हो, वहाँ बलिदान देने की गवर्नमेंट की इच्छा है, लोगों का जनादार करते आदर करते, जन भावना जो क्रोधित हो चुका है वो क्रोधित जन भावना का उन्होंने आदर नहीं किया, और उसने वो आदर इसीलिए किया, ऐसा हमें लग रहा है। आप जाके कहा एयरपोर्ट बंद करो, हम गोली मारेंगे, भाई आपका जितना गोले उतने लेके आइए, और पूरा जो महाराष्ट्र देश और पूरा दुनिया को मालूम पड़े कि इस स्वतंत्रता में, इस लोकशाही में और इस स्वराज्य में एक वहाँ का भूमिपुत्र क्या मांग रहा है, वो उसकी पहचान मांग रहा है, वो उसका अस्तित्व मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है वो। और उस अस्तित्व के लिए, उस बलिदान देने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। ये कौन सा कानून का, ये कौन सा स्वतंत्रता है, ये कौन सा स्वराज्य है, ये कौन सी लोकशाही है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।